Hi guys, my name is Monica. Welcome to this video. आने वाले दिनों में आप बहुत ही कमाल के फोन्स देखेंगे इंडिया में, बहुत ही कमाल के फोन लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से फोन लॉन्च देखने को मिलेंगे उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। So keep watching, we are about to begin. पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही क्लिक कीजिए बेल का आइकन भी, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया में होने वाले फोन लॉन्चेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट नंबर की पोजीशन यहाँ पे गेन करता है रेडमी नोट 7। बहुत ही टाइम से वेटिंग लिस्ट में बना हुआ है रेडमी नोट 7। फाइनली उसके लॉन्च की डेट करीब आ रही है 28 फरवरी। 28 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा इंडिया में रेडमी नोट 7। रेडमी नोट 7 यहाँ पे अवेलेबल रहेगा फ्लिपकार्ट पे। बात है अगर प्राइस सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का, वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 10,500 रुपए। यानी कि 3GB RAM वेरिएंट और 32GB स्टोरेज वाला जो मॉडल है वो आपको Redmi Note 7 का देखने को मिल जाएगा 10,500 रुपए, जो कि काफी कमाल की प्राइस रेंज यहाँ पे रखी गई है। अगर अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे, तो फोन में आपको 6.3 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ, 19:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। बात है अगर फोन के परफॉर्मेंस की, तो वो आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट। यानी कि ये जो 660 का चिपसेट है, ये यहाँ पे पावर पैक रखेगा Redmi Note 7 को। रैम वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3GB RAM, 4GB RAM और 6GB RAM वेरिएंट तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें फोन के हाईलाइटेड पॉइंट यानी कि कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में, ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, वहीं सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग का GM1 सेंसर यूज किया गया है। वहीं बात है अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। अब चले अब अगर हम बैटरी की तरफ, 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और वहीं आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये एक फुल ऑन पैकेज है यहाँ पे Redmi Note 7 का, जो आ रहा है 28 फरवरी को फ्लिपकार्ट पे इंडिया में। नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है Redmi Note 7 Pro, जो कि यहाँ पे Redmi Note 7 का ही थोड़ा सा बेटर वर्जन बोल सकते हैं हम, या फिर अपर वर्जन बोल सकते हैं। वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको बेटर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन का 675। वहीं आपको इसमें कैमरा का परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यूअल रियर कैमरा का सेटअप तो वही है 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का, लेकिन इसमें जो है वो सेंसर यूज किए गए हैं सोनी का MX586 का सेंसर। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस सेंसर के जरिए आपको इस फोन में कैमरा की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। Redmi Note 7 Pro आपको 8GB RAM वेरिएंट तक अवेलेबल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और खास बात आ रही है Redmi Note 7 Pro में, जो कि है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यानी कि Redmi Note 7 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये तो सब बात हुई कि किन किन मामलों में अच्छा दिखने वाला है, और वहीं अगर इतना अच्छा है तो प्राइस भी यहाँ पे इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव रखी गई है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro का प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है 21,000 रुपये। Redmi का ये पहला फोन होगा जो शायद इतना महंगा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि Redmi के फोन्स ऑलवेज मतलब थोड़े कम प्राइस सेगमेंट में ही आते हैं। तो ये फोन जो है वो 21,000 के प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, लेकिन फिर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी आ रही है 21,000 के प्राइस सेगमेंट में, Redmi का यहाँ पे भरोसा है। साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइस सेगमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सही रखा गया है Redmi Note 7 Pro के लिए, या फिर आपको भी Redmi Note 7 Pro थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है? जो भी आपकी राय है शेयर करें नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे यहाँ पे आ रहा है Samsung Galaxy M30, जो कि कम्प्लीटली टक्कर देने वाला है Redmi Note 7 को, क्योंकि एक तो ये फोन लॉन्च हो रहा है एक दिन पहले, यानी कि 27 फरवरी को इंडिया में Amazon पे ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा, और स्पेसिफिकेशन के मामले में पक्की टक्कर यहाँ पे देगा ये Redmi Note 7 को। बात है अगर Samsung Galaxy M30 की प्राइस सेगमेंट की, तो वो यहाँ पे 14,990 रुपए सुनने में आ रहा है कि इस प्राइस सेगमेंट में फोन का बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। बात है अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की, तो जैसा हमने
गैलेक्सी M20 को देखा था उसके जैसे थोड़े से सिमिलर आपको स्पेसिफिकेशन इस फोन में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुपर अमोलेड पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा वी इन्फिनिटी के साथ, यानी कि वी इन्फिनिटी जैसा नॉच डिस्प्ले डिजाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। बात है अगर प्रोसेसर की तो सैमसंग का एक्सिनोस 7904 इस फोन को पावर पैक यहाँ पे रखने वाला है। रैम वेरिएंट और स्टोरेज की अगर बात है तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाला मॉडल भी इस फोन में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी M30 आएगा यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ। सैमसंग गैलेक्सी की M सीरीज का ये फर्स्ट फोन है जो कि यहाँ पे इतने बड़े फीचर यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वो भी इतने कम प्राइस सेगमेंट में। आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 कैसा लग रहा है इस प्राइस सेगमेंट में? Samsung Galaxy M30 या फिर Redmi Note 7, दोनों में से कौन सी है आपकी चॉइस? जो भी है राय शेयर करें नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट नंबर की पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे Oppo F11 Pro। Oppo ने यहाँ पे अपना 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन अनाउंस किया है जिसका कि नाम होने वाला है Oppo F11 Pro, और जो कि यहाँ पे मिलते जुलते स्पेसिफिकेशन रख रहा है Vivo V15 Pro से। अब Oppo F11 Pro में आपको भी यहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद 16 मेगापिक्सल का भी हो सकता है या फिर 32 मेगापिक्सल का भी हो सकता है। बैक साइड पे आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है जिसमें फर्स्ट सेंसर है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का, और वही नेक्स्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। अब रही बात कि फोन लॉन्च कब होने वाला है, तो Oppo F11 Pro 5 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। Oppo F11 Pro का भी हाइलाइटेड फीचर इसका कैमरा ही है, क्योंकि इतने सारे फोन हमें देखने को मिल रहे हैं 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ही। लेकिन Oppo F11 Pro के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो लो लाइट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है या फिर लो लाइट के जो सीन्स हैं वो इस फोन में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब बात है अगर फोन के प्रोसेसर की तो MediaTek का Helio P70 शायद चिपसेट आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है, और ये फोन भी आएगा यहाँ पे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरियंट के साथ। और अब अगर बात है फोन के प्राइस सेगमेंट की, तो फोन का प्राइस यहाँ पे Vivo V15 Pro से तो डेफिनेटली कम ही रहने वाला है, और अगर बात है एक्सपेक्टेशन की तो फोन का प्राइस यहाँ पे 25,000 से 27,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। ऐसे तो इस फोन के डिजाइन में और Vivo V15 Pro के डिजाइन में आपको कोई खास ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रंट में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कोई नॉच नहीं है, पॉपअप सेल्फी कैमरा है दोनों ही फोन में, बस एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक्स्ट्रा यूज की गई है Vivo V15 Pro में, जो कि है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और जो कि Oppo F11 Pro में आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ Vivo V15 Pro में हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिला था, लेकिन Oppo F11 Pro में हमें USB Type-C सपोर्ट देखने को मिलेगा वो फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ। तो यानी कि बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है Oppo F11 Pro भी इंडिया में 5 मार्च को। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बजट सेंट्रिक फोन का नाम आ रहा है जो कि है Realme की तरफ से Realme 3। Realme ने यहाँ पे इनवाइट्स भेजना स्टार्ट कर दिए है Realme 3 के लॉन्च से रिलेटेड, जो कि होने वाला है 4 मार्च को न्यू दिल्ली में। यानी कि एक और बजट सेंट्रिक फोन यहाँ पे वेट कर रहा है हमारा, जो कि होने वाला है Realme 3। और अगर जो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक साइड में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक हार्ड केस देखने को मिलेगा Realme 3 के। और कुछ अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर इसमें आपको MediaTek का Helio P70 देखने को मिल सकता है, और अदर जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं है। और बात है लास्ट यहाँ पे प्राइस सेगमेंट की, तो Realme का फोन है अंडर 10,000 आपको ये फोन का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो हो सकता है 3GB रैम वेरिएंट वाला फोन वो आपको देखने को मिल जाए 9,999 रुपए के आसपास। बात है अगर फोन के डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में, वो तो एकदम A1 ही रहने वाला है, क्योंकि Realme के पिछले वाले फोन्स में भी उसका डिजाइन ही उसकी USP है और प्राइस है साथ ही साथ कम, यानी कि Realme 3 भी हमें कम प्राइस में एक बहुत ही अच्छे डिजाइन वाला फोन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा Vivo की तरफ से Vivo V15। Vivo V15 Pro हम लोग देख ही चुके हैं, उसका स्मॉलर वर्जन बन के लॉन्च होगा Vivo V15। अभी तक लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी एक वीक में आपको कभी भी Vivo V15 का लॉन्च भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं Vivo V15 के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और हम स्टार्ट करेंगे फोन के प्रोसेसर से। प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा MediaTek का Helio P70, और वही 4GB रैम वेरिएंट के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो फोन में आपको 6.39 इंचेस का IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा,
और साथ ही साथ ये फोन भी आ रहा है पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म के साथ। और इस फोन में भी आपको Vivo V15 Pro की तरह 32 मेगापिक्सल का कैमरा ही देखने को मिलेगा। बात है अगर रियर कैमरा सेटअप की, तो ये भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ ही आ रहा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा 24 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी है 8 मेगापिक्सल का और वही थर्ड है 5 मेगापिक्सल का। बात है अगर फोन की बैटरी की, तो 3700 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी इस फोन में फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, साथ ही साथ USB Type-C पोर्ट के साथ। जो एक कमी रह गई है Vivo V15 Pro में, वही USB Type-C पोर्ट आपको Vivo V15 में देखने को मिल जाएगा। और पॉपअप सेल्फी कैमरा तो यहाँ पे है ही, बस हाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको रियर साइड पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात है कि फोन के लॉन्च की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आने वाले कुछ दिनों में इस फोन का लॉन्च हमें देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात है फोन के प्राइस सेगमेंट की, तो इस फोन का प्राइस एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 21,000 के आसपास, यानी कि अगर आप पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फोन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंफ्यूजन होने वाला है Redmi Note 7 Pro में, Oppo F11 Pro में और Vivo V15 में, क्योंकि इन तीनों में ही प्राइस जो है वो कुछ कुछ सिमिलर है और तीनों में ही कुछ स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि Redmi Note 7 Pro में है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का, और वहीं Oppo F11 Pro और Vivo V15 में है पॉपअप सेल्फी कैमरा का। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अपकमिंग कौन कौन से फोन्स हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। इन सभी फोन्स में से आपका फेवरेट फोन कौन सा है, जिसका वेट आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ भी शेयर करें नीचे कमेंट्स में, और कौन से फोन का कौन सा स्पेसिफिकेशन आपको पसंद नहीं आया है वो भी शेयर करें मेरे साथ नीचे कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।